चलो हेलो डियर, शुरुआत करते हैं आज हमारा लीनियर एलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक। और वह टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन होते हैं, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी है या फिर गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, वहाँ इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो डियर, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है, फाइंड द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स मुझे तैयार करनी है ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V3 से, ऑन V3R है, तो इसका मतलब V3R से V3R पर है। V3R से V3R पर आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डिफाइंड किया गया है ऐसे, तो आपने क्या करनी है भैया, इसका एक मैट्रिक्स तैयार करनी है। और जो ध्यान से सुनो आगे क्या लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस। ये नया नाम आ गया, ऑर्डर्ड बेसिस। तो डियर आपने ये ऑर्डर्ड बेसिस एक नाम देख लिया आपको, ये ऑर्डर्ड बेसिस होता क्या है, बेसिस है पर बेसिस का एक ऑर्डर है, मतलब बेसिस में एक क्रम है, ऑर्डर टाइप का बेसिस है, मतलब जैसे ना क्रम विनिमय कहते हैं, तो एक प्रकार का जैसे ना क्रम विनिमय नियम कहते हैं हम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखो ऑर्डर्ड जैसे ना एक चीज़ है, ऑर्डर्ड पेयर कह दिया मैंने, ऑर्डर्ड पेयर कह दिया, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, क्रमिक युग में, एक क्रम के युग में, एक क्रम के युग में, जैसे ए क्रॉस बी और ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसका मतलब क्या, ए कॉमा बी लिखा है तो ये क्रमिक युग्म का अवयव है, तो पहले ए का अवयव फिर बी का अवयव, पहले ए का अवयव फिर बी का अवयव, एक प्रकार का क्रम होता है ना, सीरीज होती है, क्रम टाइप का होता है। ऐसे ऑर्डर्ड बेसिस क्या होगा, जो बेसिस होगा ना, बेसिस के एलिमेंट्स में एक क्रम होगा, जैसे ना ये देखो ये ऑर्डर्ड बेसिस है, तो इसमें क्रम है एक प्रकार का, कैसा क्रम है कि पहले यहाँ बना रहा है फिर यहाँ टू आ रहा है, वहाँ बना रहा है फिर यहाँ बना रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर्ड बेसिस है। आई नहीं बात समझ, जैसे ये भी ऑर्डर्ड बेसिस है, पहले वन है फिर वन है फिर वन है फिर वन है फिर वन है जीरो है फिर वन है फिर जीरो है फिर जीरो है, तो इस प्रकार का जो बेसिस होते हैं वो ऑर्डर्ड बेसिस कहते हैं। ये तो स्टैंडर्ड बेसिस होता है, ऑर्डर्ड बेसिस भी होता है, ठीक है ना। मतलब अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको ऑर्डर्ड को हटा दो ना, सिर्फ बेसिस ही बेसिस समझो, बस हो गया, बात खत्म, ठीक है ना। तो आपने क्या निकालना है, इन बेसिस के रिस्पेक्ट में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, आपने एक मैट्रिक्स तैयार करनी है, क्लियर है ना। शुरुआत करें फिर इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, तो आप लिखिए फिर सबसे पहले टी इज द गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लिखना फिर टी इज द गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये वो अल्लाह पल्ला जो भी आपने लिखना है आप लिख लीजिए और देखो फिर, ठीक है ना। नाउ अब लिखूंगा फिर, नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस। पहला जो बेसिस है आपके पास b बराबर क्या है, आपके पास 1 0 0 0 1 0, फिर कितना हो जाएगा 0 0 1, ये आपके पास क्या है, बेसिस है। इस बेसिस के रिस्पेक्ट में आपने एक, ये है आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो t है वो V3R से V3R पर एक टी है, आपने एक मैट्रिक्स तैयार करनी है, किसके रिस्पेक्ट में, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में। तो चलो फिर सुनो फिर, सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, क्या मेरे पास टी 1 0 0 बराबर ऐसा आएगा, ए की जगह 1 रखा, ये बेसिस के एलिमेंट रखो ना, टी बेसिस के एलिमेंट, तो देखो टी बेसिस के एलिमेंट क्या हो जाएगा, टी 1 0 कितना हो जाएगा फिर आपके पास 0 हो जाएगा ये, फिर कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा ये, फिर आपके पास कितना हो जाएगा फिर ये 0 हो जाएगा, यस 3, बहुत बढ़िया, यस। ऐसे आपके पास जो टी 0 1 0, ऐसे टी 0 0 1, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा फिर हमारे पास ए बी माइनस कितना हो जाएगा फिर आपके पास 4, फिर कितना हो जाएगा आपके पास 0, फिर आपके पास कितना हो जाएगा 0 0 1, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा फिर आपके पास सी की जगह तो कितना आ गया 1, फिर कितना आ जाएगा फिर आपके पास 0, फिर आपके पास कितना आएगा फिर यहाँ पर से 0 आ गया। आया ना बात समझ में, इतना ठीक क्या मैंने, हाँ चलो फिर, इतनी बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब सुनो फिर, ये जो अवयव, ये जो एलिमेंट्स आए हैं ना, ये वाले ये इनको ना जो बेसिस दिया है ना, इसके रिस्पेक्ट में इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। कैसे मतलब, देखो ये आपके पास एलिमेंट आया है, इस एलिमेंट्स को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे, इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं, देखो एक बार 0 इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा, तो मेरे को ऐसा लिख सकता हूँ ना 0 1 0 0, ध्यान से देखना,
फिर प्लस कितना हो जाएगा, फिर मेरे पास वन, फिर कितना हो जाएगा आपका जीरो वन जीरो, बहुत ही इजी सा है इसके बेसिस में लिखना, क्योंकि हर एक एलिमेंट को इसके बेसिस में हमने पढ़ ही रखा है। थ्री है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ आपके पास, थ्री जीरो जीरो वन, ये तो बहुत ही इजी सा। अब देखो इस क्वेश्चन को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, दो, फिर कितना आ जाएगा वन जीरो जीरो, क्यों, फिर कितना आ जाएगा फिर आपके पास माइनस फोर जीरो वन जीरो, फिर कितना आ जाएगा प्लस जीरो 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 वन, फिर आपके पास कितना आ जाएगा फिर भैया वन वन जीरो जीरो, फिर प्लस कितना आ जाएगा जीरो जीरो वन जीरो, फिर कितना आ जाएगा जीरो 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 वन। आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो डियर आप पुरानी वीडियो देखिए, तो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा। फिर अभी अगले क्वेश्चन में और मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा अगला जो बेसिस है, पहले आप इसको बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुनिए, इतना बात तो ठीक है ना। इन जो एलिमेंट आए हैं इनको लीनियर कॉम्बिनेशन, जो हमारे पास बेसिस दिया होता है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखते हैं, लिख दिया इतना मेरे पास, तो अब सुनो फिर। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी, हेंस जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, वो क्या होगी, ध्यान से सुनना फिर, आपके पास जो होगी देखो, सबसे पहले तो आपने क्या, जो बेसिस के आगे जो एलिमेंट हैं जैसे वन है जीरो है टू है वन है थ्री है, फिर आपने क्या लिखा है टू है, फिर आपने क्या लिखना माइनस फोर है, फिर आपने क्या लिखना जीरो है, फिर आपके क्या है वन है, फिर है जीरो है, फिर जीरो है, तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा ना, जो आंसर मैट्रिक्स आएगी ना, इसका आप क्या कर देना भैया, ट्रांसपोज कर देना, उसको लिखना बी, क्यों, जीरो वन थ्री, इसका ट्रांसपोज कर देना टू फोर, ये तो आंसर कितना है जीरो वन थ्री टू माइनस फोर जीरो वन जीरो जीरो। तो ये आपके पास क्या होगी भैया, ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसके लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये दिया गया है, और बेसिस क्या दिया गया है, ये दिया गया है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था आपके पास, जीरो टू माइनस एक, नहीं जीरो टू एक, वन माइनस फोर जीरो, थ्री जीरो जीरो। तो डियर इसको नोट कीजिए, फिर अगले वाले को हम समझते हैं अच्छी तरीके से। एक और, यस, तो डियर आपके पास टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है, आपने क्या एक मैट्रिक्स तैयार करनी है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस। आपके पास अभी जो दूसरा पार्ट है ये क्वेश्चन का, ये आपके पास बेसिस है, तो सबसे पहले क्या निकालो, इन सब की टी इमेज निकालो, ध्यान से देखो, इन सब की टी इमेज निकालो तो कितना वन 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 की जो टी इमेज आई, ऐसे टी इमेज ऑफ कितना वन जीरो वन की, फिर ऐसे कितना टी इमेज ऑफ वन जीरो जीरो, ठीक है ना। ऑर्डर्ड बेसिस का कुछ मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ ये है कि भैया जो आपके पास बेसिस के एलिमेंट्स हैं ये एक क्रम में एक नियम के अनुसार लगे हुए हैं, ठीक है ना, कोई कहीं का भी नहीं होगा, इस टाइप की बात होगी, ठीक। चलो अब ध्यान से देखना, इनके टी इमेज निकाली तो क्या, ए की जगह वन, ध्यान से देखना भैया, बी की जगह वन, ध्यान से देखना, सी की जगह वन, तो ए की जगह वन, बी की जगह वन, सी की जगह वन, ये कितना जाएगा फिर, यहाँ से ध्यान से देखो भैया, भैया तो यहाँ पर से कितना जाएगा थ्री, यहाँ पर से कितना जाएगा फिर वन माइनस फोर कितना माइनस थ्री, फिर कितना जाएगा फिर आपके पास थ्री, फिर यहाँ पर से कितना जाएगा वन वन, सी की जगह जीरो तो कितना जाएगा टू, फिर कितना रहा है वन और वन, तो कितना आ जाएगा फिर आपके पास वन माइनस माइनस थ्री, फिर यहाँ पर से कितना रहा फिर आपके पास थ्री, क्यों, फिर आपके पास ए की जगह वन है तो कितना एक ए ए बी सी जीरो है जीरो, फिर कितना आ जाएगा आपके पास ए की जगह वन, फिर कितना आ जाएगा आपके पास थ्री, ठीक है ना, क्लियर। अब मेरे को ना नाव नाव वी राइट वी, अभी तो जी अभी तो स्टैंडर्ड बेसिस है नहीं, तो अब मुझे बेसिस बनाना पड़ेगा। नाउ वी राइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलसी लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस के लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू बी डैश। अब हमने ना इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, किसके रिस्पेक्ट में, बी डैश के रिस्पेक्ट में लिखना है, ठीक है ना। अब देखो फिर मैं कैसे लिखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ध्यान से सुनना फिर। अब देखो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, देखो क्या, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन किसके रूप में लिखना है, इसके रूप में लिखना है, तो ऐसा होता है कि नहीं लीनियर कॉम्बिनेशन में, ध्यान से सुनो, फील्ड का एलिमेंट मतलब क्या, एक्स इंटू कितना हो जाएगा वन, फिर कितना हो जाएगा प्लस वाई, फिर क्या हो जाएगा वन वन जीरो, फिर प्लस कितना हो जाएगा जेड, कितना हो जाएगा जीरो वन जीरो। यहाँ से किस किस की वैल्यू निकालूंगा मैं, एक्स की वाई की जेड की, तो यह एलिमेंट्स, यह एलिमेंट मतलब यह है किसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा गया, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा गया। आया नहीं बात समझ में इतना,
तो डियर आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 3 माइनस 3 3 बराबर कितना हो जाएगा, x कॉमा x, फिर कितना हो जाएगा y कॉमा 0, फिर प्लस कितना हो जाएगा z कॉमा 0 कॉमा 0। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, x + y + z, क्यों, पहले जुड़ जाएंगे, फिर कॉमा, दूसरे x + y, फिर क्या, तीसरे, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 3, और फिर कितना हो जाएगा 3। आया बात समझ में, इतना आया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर से जो आपके पास आया ना, जो x + y + z = कितना है 3, x + y = कितना है -3, x = क्या आया 3, x = 3 यहाँ रख दोगे तो y कितना आ जाएगा फिर आपके पास -6, क्यों, x + y - 3 यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा फिर आपके पास, ये x + y - 3 है ना, -3 यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा, z = भी कितना आ जाएगा फिर आपके पास 6, ठीक है ना। तो कुल मिला करके जो आपके पास ये वाला 3 माइनस 3 3 का जो लीनियर कॉम्बिनेशन आया वो क्या आया, एक्स की जगह तो कितना आया 3, फिर कितना 1 कॉमा 1 कॉमा 1, फिर प्लस वाई कितना आया -6 -6 1 कॉमा 1 कॉमा 0, फिर कितना आया था फिर आपके पास जेड की जगह कितना आया था 6 1 कॉमा 0 कॉमा 0। आया ना बात समझ में, इतना पक्का। अब भैया ऐसे ही इसका भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, ऐसे इसका भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, सबका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। तो भैया इतना नोट करो, चलो फिर अब डियर देखो, आपने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बी डैश के एलिमेंट्स के रूप में लिख दिया, अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे किसका, 2 - 3 3 का, 2 - 3 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे किसके बेसिस में, इनके अब देखो फिर, चलो वैसे मिटाने की ऐसी कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए थी, चलो अब इसको 2 - 3 3 को क्या आ जाएगा फिर मेरे पास, वही x + y + z आया होगा, यहाँ आया होगा x + y, फिर कितना आया होगा मेरे पास x, तो यहाँ पर से क्या आया x + y + z = तो कितना आया 2 आया, x + y = तो कितना आया -3 आया, x = कितना आया 3 आया, x = तो आ गया 3, यहाँ पर से y = कितना आ जाएगा फिर, y = कितना आ जाएगा -6, यहाँ पर से कितना आ जाएगा -6 प्लस गया तो z = कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर होगा, ये वाला एलिमेंट्स अपने बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में कैसे लिखा गया है, x की तो जगह आया फिर आपके पास 3, फिर y की जगह तो कितना आया आपके पास -6, और z की जगह कितना आया फिर आपके पास 8 1 0 0। अभी समझा दूंगा, एक बार आप क्वेश्चन को समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इतना भी नोट कर लिया, चलो फिर अब सुनो, अब ये 0 1 3 का 0 सो डियर थोड़ा सा करेक्शन है, तो डियर यहाँ पर को -3 आएगा, जो z = कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। आप सुनो फिर भैया, किसका 0 1 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, 0 1 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, 0 1 3 का जो बेसिस दिया है उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर से ये तो कितना आया 0 आया, ये कितना आया फिर आपके पास 1 आया, और ये कितना आया 3 आया, तो यहाँ पर से कितना आया फिर आपके पास x 3, तो y कितना आ गया -2 आ गया, तो ऐसे z = कितना आ जाएगा फिर आपके पास -1 आ गया। तो ये इसका लीनियर, यहाँ पर को 5 आया था ना अभी ऊपर वाले में, यहाँ तो 5 आया था, तो यहाँ पर से कितना आ गया फिर आपके पास 1 1 1, फिर 1 1 0, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा, तो यहाँ पर से कितना आ गया फिर ये, तो ये कितना आया था आपके पास यहाँ 3 आया था, फिर कितना आ जाएगा आपके पास -2 आएगा, फिर कितना आ जाएगा आपके पास -1 आ गया। तो इतना आप नोट कर दीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने क्या किया, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा ना फिर यहाँ पर से, चलो फिर ध्यान से देखना, तो ये सब लिखने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स जो आया वो कितना आया इस टाइप के, देखो जो फील्ड के एलिमेंट हैं उनका मैट्रिक्स बनेगा, तो कितना 3 - 6, फिर कितना आया भैया 6, फिर कितना आया 3, फिर कितना आया -6, फिर कितना आया 5, फिर कितना आया 3,
फिर कितना आया माइनस टू, फिर कितना आया माइनस वन। तो जो हमारे पास आंसर मैट्रिक्स जो होगी, आंसर मैट्रिक्स होगी, इस मैट्रिक्स का हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो जो ट्रांसपोज कह दिया मैंने उसको लिख दिया बी, तो क्या हो जाएगा फिर आपके पास, जो बी है वो क्या है, ए का ट्रांसपोज है। तो जैसे मैंने ट्रांसपोज किया तो आया है थ्री माइनस सिक्स सिक्स, थ्री माइनस सिक्स फाइव, और आपके पास आया है थ्री माइनस टू माइनस वन, दिस इज यूर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मैं आंसर को मिला लेता हूँ, थ्री 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 माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस टू सिक्स फाइव माइनस वन, सो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। यस, सो राइट डाउन, यस डियर, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन बनाया था इसी टाइप का, आज इस टाइप का एक और क्वेश्चन बनाते हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। शुरू करते हैं फिर सॉल्यूशन इसका, क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। टी इज द आपके पास लीनियर ऑपरेटर है, टी आपके पास क्या है लीनियर ऑपरेटर है आर थ्री से आर थ्री पर, और आपके पास क्या डिफाइंड है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो डिफाइंड है वो ऐसे डिफाइंड है। व्हाट इज द मैट्रिक्स, एक मेरे को मैट्रिक्स तैयार करनी है इस टी के लिए, ऑर्डर्ड बेसिस, जिसका ऑर्डर्ड बेसिस हमको क्या दिया गया है, ये दिया गया है। तो शुरू करते हैं फिर, सबसे पहले आपके पास ऑर्डर्ड बेसिस, सबसे पहले तो लिखते हैं हम टी इज गिवन, टी इज द लीनियर ऑपरेटर, ये लिख लेना टी इज द लीनियर ऑपरेटर ऑन आर थ्री टू आर थ्री, टी आर थ्री से आर थ्री पर आपके पास लीनियर ऑपरेटर है। ध्यान से सुनते रहना और चीज़ों को करते रहना, ठीक है ना। टी आर थ्री और टी इज डिफाइंड एज, टी इज डिफाइंड एज, आपके पास जो टी डिफाइंड किया गया वो ऐसे किया गया है, एंड द एंड गिवन बेसिस, एंड गिवन बेसिस बी बराबर, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है फिर, मैंने इस बेसिस के रिस्पेक्ट में एक मैट्रिक्स मैंने क्या करनी है तैयार कर देनी है। ये क्वेश्चन हो गया आपके सात नंबर का, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बेसिस अगर मेरे को तैयार, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में अगर मेरे को मैट्रिक्स तैयार करनी, तो सबसे पहले मैं इन सबकी इनकी टीम इमेज निकालूंगा, इनकी टीम इमेज निकालूंगा, जो टीम इमेज आएंगी उनको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखूंगा, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखूंगा, जो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के कोफिशियंट होंगे वो मेरे पास मैट्रिक्स होगी, उसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो मेरा आंसर मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। आई बात समझ में, तो आपने टी वन जीरो वन निकाला, टी माइनस वन टू वन निकाला, टी टू वन कॉमा वन निकाला, तो अब सुनो फिर, अब देखो टी वन, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा फिर आपके पास थ्री थ्री एक, थ्री एक चार, एक्स टू की जगह जीरो तो कितना आ जाएगा माइनस का टू, फिर वहाँ पर को कितना आ जाएगा आपके पास माइनस वन प्लस फोर, तो कितना आ जाएगा माइनस का थ्री, क्लियर। अब देखो यहाँ पर को माइनस थ्री प्लस वन, तो कितना माइनस का टू, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस टू माइनस वन प्लस टू प्लस टू प्लस टू फोर, बहुत अच्छा। फिर आपके पास कितना हो जाएगा वन प्लस फोर प्लस फोर, चार दिन आठ के नौ, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। फिर थ्री इंटू टू सिक्स प्लस वन सेवन, फिर कितना माइनस टू माइनस दो दूनी कितना हो जाएगा चार, प्लस का लगा एक माइनस का तीन, फिर माइनस का लगा दो माइनस का लगा नहीं प्लस का लगा दो प्लस का चार, तो ये कितना आया चार, क्या इतना आया है मेरे पास, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो तो डियर सॉरी, यहाँ पर को आपके पास तीन आ रहा है, माइनस तीन है, ठीक है ना। अब क्या करना होगा, जो इनकी जो टीम एज आई है ना, ये इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना होगा इसके। देखो ध्यान से देखो इधर बहन जी, देखो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है, इस वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। आई नहीं बात समझ में, तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले इस वेक्टर को, तो अब मैं क्या लिखूंगा, नाउ नाउ वी विल राइट राइट फोर माइनस टू थ्री एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी। देखो तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है, तो कितना फोर माइनस टू थ्री को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है, तो कैसे मानूंगा, एक्स बेसिस क्या है आपके पास वन जीरो वन, फिर प्लस वाई, फिर कितना माइनस वन टू वन, फिर कितना जेड, फिर कितना टू वन वन। आंसर क्या निकालना है आपने, एक तो एक्स निकालना है, एक वाई निकालना है, और एक क्या निकालना है
जेड निकालना है, निकालना है कि नहीं। अब एक्स वाई जेड निकालने के लिए क्या करोगे, 4 - 2 - 3, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स, देखो एक्स 0, एक्स दिक्कत नहीं, फिर प्लस माइनस वाई 2y, फिर कॉमा वाई, फिर प्लस 2z, जेड और फिर कितना जेड, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 4 - 2 - 3 बराबर कितना आ जाएगा फिर, एक्स माइनस वाई प्लस 2z, बेहतरीन, 2y प्लस जेड, बेहतरीन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बेहतरीन। चलो चलो अब ध्यान से देखना फिर भैया, आपने ना यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो इतना तो आपने लिख दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर से ये देखो, 3 ट्यूपल बराबर हैं, तो यहाँ पर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं एक्स माइनस वाई प्लस माइनस 2z बराबर 4, फिर कितना 2y प्लस जेड बराबर माइनस 2, फिर कितना एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 3। हो राम, अब चलो फिर यहाँ पर से एक्स वाई जेड की कितना भयंकर क्वेश्चन होने वाला है, पता नहीं। तो यहाँ पर से क्या आएगा फिर आपके पास, देखो फिर ऐसा करो ना, सुनो ये सब मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि इसका काम, हाँ ये सब मिटा देता हूँ, कोई इसका काम नहीं होने वाला है, अगर कोई काम होगा तो मैं देख लूँगा। चलो फिर इनमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें, इतना कोई भयंकर नहीं होने वाला है। वैसे तो तुम ना एक मैट्रिक्स करके भी निकाल सकते हो इसको, मैट्रिक्स से निकाल लूँ, हमने रैंक मेथड से जो पढ़ा रखा था वैसे भी तो निकाल सकते हैं हम, इसी रैंक निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। और पर वैसे नहीं निकालता हूँ अभी, तो ये सरल है निकालना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्या वाई जेड, वाई गया एक्स जेड, चलो फिर एक बार रैंक से ही निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं मैट्रिक्स मेथड से निकालते हैं, ये 1, ये माइनस 1, ये 2, ये 0, ये 2, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 - 2, और फिर कितना 3, ठीक है ना। इसके नीचे के सब जीरो बनाएंगे, तो इसको भी जीरो बनाएंगे, तो कितना, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 - 1 - 2 - 0 - 2 - 1, इसमें से इसको घटाएं तो कितना हो जाएगा 0, इसमें से इसको घटाएं तो कितना हो जाएगा 2, नहीं खाली 2, प्लस का 2, इसमें से इसको घटाएं तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है ना। फिर ये कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हो भैया, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, चेंज होता है किसमें, मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, अरे इसमें से इसको घटा दिया ना मैंने, ठीक। अब यहाँ पर को देखो, ये अब क्या करते हैं, इसको 1 बनाते हैं, फिर इसको 0 बनाते हैं, कोई 1 बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स मेथड ऐसी तो होती है, सीधे सीधे इसको 0 बनाते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा फिर आपके पास 1 - 1 - 2, फिर कितना 0 - 2 - 1 - 0 - 0, इसमें से इसको घटा दिया तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, फिर क्या, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा एक्स वाई जेड, और फिर ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास 4 - 2। ऑपरेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है भैया, वही वाली बात हो गई, 15 में पढ़ते हो। तो यहाँ पर से इसमें से इसको हटा दिया तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 5, क्यों माइनस का 5, क्लियर। तो इक्वेशन क्या बनी फिर आपके पास, एक्स माइनस वाई प्लस 2z बराबर तो कितना 4, ये कितना हो जाएगा 2y प्लस जेड बराबर कितना माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2z बराबर कितना हो जाएगा माइनस 5, तो जेड बराबर आया 5/2, पहला तो आया जेड बराबर, यस इतना आया 5/2 आया, नहीं आया यार 5/2 आया, 1/2 आ रहा है शायद, पता नहीं कितना आ रहा है, वैसे 0 नहीं आएगा, देखो तो एक बार, हाँ कहाँ गलत किया, कहाँ ये 2z है यार, एक्स ये देखिए एक्स माइनस वाई प्लस 2z, ये 1 था, ये माइनस 1 था, ये 2 था, ये 0 था, ये 2 था, 1 था, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया तो 0, इसमें से इसको घटाया ना तो ये 2, इसमें से इसको घटाया तो कितना हो जाएगा माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और फिर मैंने क्या किया, कहीं इसी में गलत रखा है, इसमें से इसको घटाया तो माइनस 1, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटाया, अरे यार यहाँ तो गलती की है मैंने, देखो ये इसमें से इसको घटाया तो ये तो कितना हो गया 0, इसमें से इसको घटाया माइनस 2, अब इसमें से इसको घटा रहा हूँ ना मैं, इसमें से इसको घटा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस कितना 2, तो कितना आ जाएगा ये 1, तो यहाँ पर से कितना आया फिर आपके पास, देखा गलती पकड़ी गई, तो कितना हो जाएगा माइनस 2, फिर कितना 1, तो जेड बराबर कितना माइनस 1/2, बहुत अच्छा
ये आ रहा है, आया जेड आ गया, आया जेड, आया जेड। तो जेड की वैल्यू को मार को इसके ऊपर वाले में रखो, पहले इतना नोट करो बराबर से। तो ये जेड उठा करके यहाँ रखा, तो ये जेड उठा करके यहाँ रखा तो कितना आ जाएगा, 2y माइनस 1/2 बराबर माइनस 2। तो ये उधर गया तो आपके पास 2y बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 2। तो आपके पास जो 2y आ गया कितना, 1 माइनस 4/2 कितना 2। तो आपके पास जो y आया वो कितना आया, माइनस 3/4। ऐसा आ रहा वाई माइनस 3/4 दिखाओ, माइनस 3/4 यस। तो वाई आपके पास कितना आया, माइनस 3/4। तो आपके पास जो जेड आया वो तो कितना आया फिर आपके पास, माइनस 1/2। तो वाई बराबर कितना आया, माइनस 3/4। तो ये सब वैल्यू उठा करके फिर मैंने कहाँ रख दी, एक्स और वाई की वैल्यू जो थी ये रख दी यहाँ। तो एक्स तो हो गया, वाई की जगह कितना आया, प्लस 3/4। फिर जेड की जगह कितना आया, माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 4, क्यों माइनस 1 ही तो आया। तो यहाँ से आया x प्लस, देखो x बराबर तो कितना, x प्लस 3/4 ये कितना होगा 5। तो x 5 माइनस 3/4 तो कितना आएगा, x बराबर 5 × 20, 20 में से 3 गया तो कितना 17, 17 बट्टा कितना हो गया 4। तो x बराबर कितना आया, 17/4 बाप रे 17/4 ठीक हो रहा है, खतरनाक होने वाले हैं ये क्वेश्चन भैया, ठीक है ना। तो कुल मिला करके सब आपने कर दिया होगा नोट, तो अब मैं देता हूँ इसको मिटा, इसका कोई काम है नहीं, मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है। तो अब सुनो फिर, तो ये देखो फिर भैया, देखो ये वाला, ये देखो सुनो, ये वाला जो इमेज आई है टी इमेज, ये जो आई है ये है अपने बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में कैसे लिखा जाएगा, ये देखो ये इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, किस फॉर्म में, एक्स, एक्स तो कितना आया है 17/4, फिर कितना 1 0 1, फिर कितना प्लस माइनस 3/4, वाई कितना माइनस 1 2 1, फिर कितना भैया प्लस जेड की जगह माइनस 1/2, माइनस 1/2, 2 कॉमे 1 कॉमे 1 आया, लिखा गया पहला। अब क्या, अब देखो, अब सुनो मेरे को ना ध्यान से देखो, अब इस वाले एलिमेंट को भी तो ये बेसिस के जो बेसिस दिया था उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है, लिखना है ना। तो यहां पर से क्या हो जाएगा फिर आपके पास, अब देखो सेम टू सेम आप क्या लिखोगे, अब इसकी जगह तो क्या लिख दोगे भैया आप, क्या किसको, माइनस 2 4 9 को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखोगे, बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 4। भैया इनमें काम बहुत करना है, बहुत ईजी से, तो कितना हो जाएगा फिर, ये सब वही चीजें हो जाएंगी दोबारा से, माइनस 2 4 9, और ये भी कितना, माइनस 2 4 9, क्लियर। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास, x माइनस वाई प्लस 2z बराबर कितना, माइनस 2। फिर कितना, 2y प्लस z बराबर कितना 4। और यहाँ पर से कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस z बराबर कितना हो जाएगा 9, माइनस 2 4 9, माइनस 2 4, और फिर कितना 9। यस चलो फिर माय डियर, x y z की वैल्यू निकालनी है, वही मैट्रिक्स मेथड, यही कितना आ जाएगा, 1 - 1 2 बराबर 0 2 1, फिर कितना 1 1 1, ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास, ये तो कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, और ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास, माइनस 2 4, और फिर कितना 9, क्लियर है ना। चलो फिर शुरू होते हैं, वही 1 1 आ गया, ये कितना हो गया माइनस 1 2, ये तो 0 था, ये 2 था, ये 1 था, इसमें से इसको घटाए तो ये तो 0 आ गया, इसमें से इसको घटाए तो ये तो कितना आ गया 2, इसमें से इसको घटाए तो ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास, 1 - 2 कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ से कितना हो गया एक्स वाई जेड, इसमें से इसको घटाया तो कितना हो जाएगा माइनस 2, फिर कितना आ जाएगा 4। अरे ऐसे तो सॉल्व करते थे मैट्रिक्स मेथड, सबसे पहले ये 1 बनाते थे इन दोनों को 0, फिर इसको 1 बनाते थे इसको 0, फिर ये, फिर इसके बाद एक्स वाई जेड में लिखते थे, सॉल्व करते थे, आंसर आता था कि नियम क्या होता है, ये 1 ये दोनों 0, ये 1 ये जो ये 0, और ये 1 बना के ये दोनों 0, ये 1 बनेगा ये दोनों 0, इसी 1 की सहायता से बनेंगे, फिर क्या करेंगे इस इन दो 0 को खराब नहीं करेंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर नीचे वाले को जो 0 बनाएंगे उस नीचे इसके वाले की सहायता से बनाएंगे, आ रही बात समझ में। देखो एक बार और देखो, ये तो 1 होगा, इन दोनों को 0 बनाएंगे इस 1 की सहायता से, फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे इस 1 की सहायता से, इन दोनों 0 को नहीं बिगाड़ेंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, ये है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना। तो फिर ये कितना आ जाएगा फिर आपके पास, इसमें से इसको घटा देना है तो आपके पास ये कितना हो गया 11 हो गया। फिर ऐसे आपके पास क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर कितना आपके पास, इतना हो गया, फिर ये छोटी सी लेख में लिख रहा हूँ माइनस 1, फिर कितना आ जाएगा 2 0 2 1, इसमें से इसको घटाया 0, इसमें से इसको घटाया 0, इसमें से इसको घटाया तो कितना हो जाएगा माइनस 1 - 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, फिर कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड,
फिर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस दो चार, इसमें से इसको घटाया तो कितना, चार में से ग्यारह गया, ग्यारह में से चार गया तो कितना होता है भैया, ग्यारह में से चार गया तो सात, बहुत ही अच्छा ये आ गया। अब ये सब आपने कर दिया होगा नोट, कर दिया फटाफट से नोट करो। तो यहां पर से जो आपके पास जेड आया, जेड तो आया माइनस दो बट्टा सात, जेड तो आया माइनस माइनस सात बटा दो, यस माइनस सात बटा दो, बढ़िया फर्स्ट क्लास आ रहा है बहन जी, जेड बराबर माइनस दो बटा सात आ रहा है, माइनस सात बटा दो आ रहा है, बहुत बढ़िया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो फिर ये मिटा दी, वीडियो पड़ जाएगी देख लेना। चलो 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 आ जाओ इसमें, तो x माइनस वाई प्लस टू जेड, फिर कितना आ जाएगा फिर आपके पास भैया माइनस टू, फिर कितना आ जाएगा आपके पास टू वाई प्लस जेड बराबर फोर, और तो कितना माइनस जेड बराबर कितना सेवन, तो जेड बराबर दो आया माइनस सात बट्टे दो आया, फिर ठीक है ना। अब इस जेड की वैल्यू को थोड़ा सा ऊपर रख देंगे तो आपके पास जो ये जेड आया वो कितना आया माइनस सात बट्टे दो, फिर ये जेड की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा टू वाई, जेड की जगह आ जाएगा माइनस सात बट्टे दो बराबर कितना हो जाएगा चार, तो टू वाई बराबर कितना आ जाएगा चार प्लस सात बट्टे दो, तो यहाँ पर से जो आपके पास टू वाई आया है तो कितना चार दूनी आठ, आठ में सात जोड़ी, सात दूनी चौदह के पंद्रह, पंद्रह बट्टे दो, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा फिर पंद्रह बटे चार, तो आपका वाई जो आया वो कितना आया पंद्रह बट्टे चार, वाई जो आया वो कितना है पंद्रह बट्टे चार, बहुत अच्छा। एक्स भी आया वाई भी आया तो आपके पास नहीं वाई जेड आया, तो एक्स माइनस पंद्रह बट्टे चार प्लस का कितना हो जाएगा टू, ये हो जाएगा माइनस सात बट्टे दो बराबर कितना माइनस दो, तो इससे ये गया तो एक्स माइनस पंद्रह बट्टे चार माइनस सात बराबर कितना माइनस दो, तो यहाँ पर से जो एक्स आया वो तो कितना है माइनस पंद्रह बट्टे चार, तो बराबर ये सात है, सात माइनस दो मतलब कितना पाँच, तो आपके पास जो है एक्स आ गया वो कितना हो गया एक्स बराबर कितना पाँच प्लस पंद्रह बट्टे चार, पाँचों को बीस, बीस पाँचों को बीस, तीस पैंतीस, पैंतीस बट्टा चार, तो एक्स कितना आया फिर आपके पास पैंतीस बट्टे चार। तो कुल मिलाकर के जो आपके पास आया इसका माइनस दो चार वाई का जो लीनियर कॉम्बिनेशन आया वो क्या आया फिर आपके पास, देखो एक्स तो कितना आया पैंतीस बट्टे चार एक जीरो एक, फिर वाई, फिर वाई कितना आया फिर आपके पास वाई कितना आया प्लस पंद्रह बट्टे चार माइनस एक दो एक, फिर ऐसे ही आपके पास क्या आ जाएगा जेड, व्हाट इज जेड माइनस सात बट्टे दो दो कॉमा एक कॉमा एक, ठीक है ठीक। हाँ तो ऐसे ही क्या, नाउ वी राइट अगले वाले को, किस वाले को, इसको सेवन माइनस थ्री फोर को एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी, इसको तो आप खुद ब खुद करना, हाँ ये आपके लिए हो गया गृह कार्य। तो यहाँ पर से जो आपके पास आएंगे वो कितने आएंगे फिर आपके पास सात माइनस तीन चार, और तो जो इसका एक्स आ रहा है वो तो आ रहा है आपके पास कितना ग्यारह बट्टे दो, इसको तो मैं खुद बुक से लिख दे रहा हूँ, हाँ ग्यारह बट्टे दो आ रहा है ग्यारह बट्टे दो एक जीरो एक, फिर कितना आ रहा है ऐसे माइनस तीन बट्टे दो माइनस एक दो एक, फिर कितना आ रहा है आपके पास फिर प्लस जीरो दो एक एक, ठीक है क्यों, तो इतना आया। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी ना वो मैट्रिक्स जो आएगी वो कितनी आएगी ए बराबर कितना सत्रह बट्टा चार माइनस तीन बट्टा चार माइनस एक बट्टे दो पैंतीस बट्टा चार पंद्रह बट्टा चार माइनस सात बट्टा चार ग्यारह बट्टे दो माइनस तीन बट्टे दो जीरो, दिस इज नॉट योर आंसर, आंसर कब आएगा आंसर मैट्रिक्स क्या होगी इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा सत्रह बट्टा चार माइनस तीन बट्टा चार माइनस एक बट्टा दो पैंतीस बट्टा चार पंद्रह बट्टा चार माइनस सात बट्टा दो ग्यारह बट्टा दो माइनस तीन बट्टा दो और जीरो। अब ये तुम्हारे पास क्या आई भैया आंसर मैट्रिक्स आई, बहुत ही भयंकर सा क्वेश्चन था, बाप रे ये क्वेश्चन क्या हुआ, ठीक है ना डियर। तो भैया हमारा अब कल हम करेंगे ड्यूल बेस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।